नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आपका स्वागत है एक्सेस भारत में। तो चलते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। सजेती क्षेत्र के एक गांव निवासी बुजुर्ग ने गांव के ही नाबालिग किशोरी के साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया है। बुजुर्ग किशोरी को टॉफी दिलाने का लालच देकर गांव के पंचायत घर ले गया, जहां उसने किशोरी के साथ छेड़छाड़ की है। परिजनों व पड़ोसियों ने किशोरी को छुड़ाया और देर रात सजेती थाने पहुंचकर पुलिस से मामले की शिकायत की है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की है। शनिवार रात सजेती थाने पहुंचे थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनकी नाबालिग किशोरी घर के बाहर खेल रही थी। तभी गांव निवासी 60 वर्षीय बुजुर्ग सुरेश सचान किशोरी को टॉफी दिलाने का लालच देकर अपने साथ गांव स्थित पंचायत भवन ले गया, जहां पर बाहर स्थित उसने किशोरी के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। आसपास मौजूद ग्रामीणों ने बुजुर्ग को किशोरी के साथ छेड़छाड़ करते देखा तो किशोरी को छुड़ाया और परिजनों को जानकारी दी। सजेती थाना पहुंचे परिजनों ने पुलिस से मामले की शिकायत की है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी बुजुर्ग की तलाश शुरू की है। मामले में सजेती थाना अध्यक्ष जनार्दन सिंह ने बताया कि की तहरीर पर आरोप पर छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की है। जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा।